एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। लुक छुप जाना, मकई का दाना पकड़े गए तो फिर पड़ेगा पछताना। लुक छुप जाना, मकई का दाना पकड़े गए तो फिर पछताना। ढूंढ लिया ना? मम्मी जी, एक और बार खेलना है, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, इस बार तुम ढूंढोगे, मैं छुपूंगी। एक, दो, तीन, चार, पांच, मैं आ जाओ। लुक छुप जाना, मकई का दाना पकड़े गए तो पड़ेगा। लुक छुप जाना, मकई का दाना पकड़े गए। अंगद, 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 अंगद बेटा बाहर आ जा, बेटा मजाक मत कर, बेटा बाहर आ जा। लुक छुप जाना, मकई का दाना पकड़े गए तो पड़ेगा पछताना। मम्मी, मम्मी, अंगद, मम्मी, मम्मी, अंगद, अंगद, मम्मी मैंने ले जा, मम्मी, अंगद। लुक छुप जाना, मकई का दाना पकड़े गए तो पड़ेगा पछताना। अच्छा ख्याल रखा है गवर्नमेंट ने इस हवेली का। चलो, यहाँ आसपास कोई बस्ती भी नहीं है और हर कॉर्नर पे चेक नाका है। अगर किसी ने बच्चे को दिन दहाड़े उठाया भी होगा तो भी यहाँ से बाहर ले जाना बहुत मुश्किल है, वो भी किसी के जाने बगैर। जसबीर रंधावा, यस, विक्रांत सिंगल, ओह हाय, और ये एसपी आदित्य शर्मा। प्लीज प्लीज कम, आइए सर, इस तरफ। सर, सिर्फ दो हफ्ते पहले ही मेरी ट्रांसफर यहाँ पे हुई है और ज्यादातर मैं काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ। उस दिन भी सर मैं काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था जिस दिन अंगद अचानक गायब हो गया और लवलीन के सिर पे गहरी चोट आई। सर, इन्हीं दीवारों के बारे में अक्सर बात करती थी कि इन दीवारों में से उसको बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आती और इधर ही लवलीन को मैंने देखा था, उसके सिर के ऊपर गहरी चोट लगी थी एक वास के साथ। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ।
इस घर में अंदर आने के लिए ये एक ही रास्ता है? हाँ सर, एक यही मेन डोर है इस घर में आने। अंगद कभी बाहर चला जाता है इसलिए बंद रखते हैं इसको, और खिड़कियों में भी ग्रिल लगाई हुई है। छोटा है, कहीं बाहर छलांग छलूंग ना मार दे। सर कुछ नहीं पता चल रहा कि अंगद कहाँ से गायब हो गया। लवलीन जी ने आखिरी बार अंगद को कहाँ देखा था, कुछ बताया उन्होंने? हाँ सर, उस तरफ। सर यही वो एरिया है जो लवलीन ने कहा था कि अंगद जहाँ से गायब हो। पर हैरानगी की बात यह है सर, जब से अंगद गायब हुआ है कोई रैंसम कॉल भी नहीं है। ये कैसे गिर गया? विक्रांत आप ठीक हैं? जी। अदिति जी, लवलीन जी से मिले? हाँ आइए। सर जब से इस घर में आए तब से लवलीन कह रही है कि हमारे अलावा उसको यहाँ पे और कोई भी लगता है। किसने कहा तुम पागल हो? तुम नहीं हो पागल लवलीन। मैंने उन लोगों को महसूस किया है। अब देखना, मैं एक पहली गाऊंगी और वो मेरे पीछे पीछे पहली गाएंगे, देखना। लवलीन क्या कर रही हो? लवलीन लुक छुप जाना, लुक छुप जाना। सुना आप लोगों ने? लवलीन मकई का दाना, मकई का दाना। सुना सुना आप लोगों ने? नहीं लवलीन। पकड़े गए तो? पकड़े गए तो फिर पड़ेगा पछताना, पड़ेगा पछताना। कोई बात नहीं, संभाल अपने आप को। उसी ने पकड़ रखा है मेरे बेटे को। मेरा बेटा यही है, छोड़ मेरे बेटे को। मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, ये घर रहने लायक नहीं है, ये पक्की हवेली है, भूतों का घर है ये, भूतों का घर है ये। संभाल अपने आप को, कोई आवाज नहीं आ रही। लवलीन, लवलीन मैं पानी लेके आता हूँ, इसका प्लीज ध्यान रखो। लवलीन लवलीन अदिति ये ड्राइंग्स देखो। ड्राइंग्स थोड़ी अजीब लगी मुझे जसबीर साहब, ऐसे किसी बच्चे को कभी देखा है आपने? अंगद का कोई दोस्त, उसका स्कूल फ्रेंड, कुछ बताया उसने कभी? इन बच्चों के बारे में अंगद बात तो जरूर करता था सर, लेकिन आज तक देखा नहीं मैंने इन्हें कभी। हाँ कुछ दिनों से वो बहुत मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लग गया था। उन्हीं में से एक कहानी में उसने ऐसी लड़की के बारे में जिक्र किया था। 8 साल का बच्चा है सर, उसकी इमेजिनेशन पे क्या रोक लगा सकते हैं। सर मैं जरा मेन स्विच चेक करके आता हूँ। जी। चली जाओ यहाँ से वरना मारी जाओगी। कौन हो तो? किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी।
जसबीर जी, क्या हुआ सर? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि यहां पर कोई खैर छोड़ी है। जसबीर जी, मैं जानता हूं कि आप थोड़े दिन पहले इस शहर में शिफ्ट हुए हैं, लेकिन शहर में कोई आपकी जान पहचान का रहता है? हाँ सर, मेरा जूनियर रहता है यहाँ पीछे, ज्ञानी सिंह नाम है उसका, और वो लोकल भी है यहाँ का। ज्ञानी सिंह? हाँ सर। और कोई रिश्तेदार या फिर कोई दोस्त? कोई भी नहीं सर। ठीक है, रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह मिलते हैं। बच्चों की ड्राइंग्स अक्सर उनके आसपास के माहौल का अक्स होती है। अंगद की मनगढ़ंत कहानियों में कोई ना कोई सच्चाई जरूर है। विक्रांत जब शैंडलियर गिरा था, तब इस हवेली में मैंने किसी की प्रेजेंस महसूस की, और फिर लवलीन के साथ मैंने किसी की आवाज सुनी। पकड़ेगा ये तो पड़ेगा पछताना। वो भी सेम पहली गा रही थी जो लवलीन गा रही थी। और फिर अभी अभी मैंने एक औरत की परछाई को भी देखा जो कह रही थी चले जाओ इस हवेली से। विक्रांत, डेफिनेटली देयर इज समथिंग स्ट्रेंज। स्ट्रेंज तो है। जसबीर का एक जूनियर ऑफिसर है, ज्ञानी सिंह, बगल में ही रहता है। इस ज्ञानी सिंह के अलावा इस शहर में रंधावा फैमिली को कोई नहीं जानता। ज्ञानी सिंह। नमस्ते साहब जी। नमस्ते विक्रांत सिंगल। इस शहर में रंधावा को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता। सर जी, बिना सबूत के किसी शरीफ आदमी को बुलाना गलत बात है। पूछताछ के लिए बुलाया है, कस्टडी में नहीं लिया तुम्हें। आज क्यों कांप रहे तुम्हारे? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है जी। सर, 10 दिन हुए रंधावा फैमिली को भी यहां पे आए हुए, और मैं क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा उन्हें? पिछले 10 सालों से तुम जूनियर ऑफिसर हो गया नहीं? इतने सालों में न जाने कितने लोग तुमसे आगे निकल गए। कभी तो तुम्हारी ख्वाहिश रही होगी कि तुम्हारा भी ट्रांसफर उस बड़ी हवेली में हो जाए। वो भूत बंगला? नहीं जी, नहीं सर, उसमें तो किसी को भी दिलचस्पी नहीं है जी, और ना ही मुझे। उसकी तो हिस्ट्री चलती आ रही है जी, 2 हफ्तों से ज्यादा कोई वहां रह ही नहीं पाता। कहाँ है ज्ञानी सिंह? साहब, मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूं, और मैंने कहा था उनको यहाँ पे आने के लिए, हवेली में रहने के लिए, और मैंने उनका बच्चा नहीं उठाया साहब। ये बात एसपी साहब भी जानते हैं और पूरा एरिया जानता है। और वैसे भी जिस दिन बच्चा गायब हुआ ना, मैं इस शहर में था ही नहीं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं साहब। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं ना पहले, सब मारे गए हैं, जल्दी से भी मरे और स्यापा मौके।
आदिति। हेलो विक्रांत, जल्दी से पहुंचो, लवलीन पर अटैक हुआ है। क्या? मैं आ रहा हूं। लवलीन, लवलीन। आदिति, आदिति। ये सब कैसे हुआ? तुम थी ना यहाँ पे? लवलीन के साथ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं यहां रह के भी कुछ नहीं कर पाई, सारी मेरी गलती है। देखो आदिति, ये केस हम जज्बाती होकर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। विक्रांत, मैंने एक बच्ची को देखा, वो वही थी, ड्राइंग वाली। मुझे भी एक लीड मिला है, अर्जुन सिंह बेदी, प्रोफेसर है आर्किटेक्चर के। पुरानी हवेलियों के आर्किटेक्चर पे काफी रिसर्च किया है उन्होंने, शायद इस हवेली के बारे में कुछ बता सके। कल सुबह उन्हें पुलिस स्टेशन पे बुलाया। जी डॉक्टर। अभी ठीक है, लेकिन थोड़ा आराम की जरूरत है। मैं चलता हूं। थैंक यू। मुझे लवलीन की बात पे पूरा भरोसा करना चाहिए। उसने मुझे कहा था कि इस घर में कुछ ना कुछ है। ये पक्की हवेली मेरा बच्चा खा गई और अब मेरी बीवी को ही मार देगी। जस्मीत जी, I'm really sorry. लेकिन इस वक्त लवलीन को आपकी जरूरत है। आप प्लीज अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए, प्लीज। एसपी साहब मुझे सारा किस्सा पहले ही समझा चुके हैं।
सो आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट. जिस हवेली की तस्वीर मुझे दिखाई थी वो करीबन 60-70 साल पुराने स्ट्रक्चर की है. उस समय हवेली बनाने के लिए कोई स्टैंडर्ड रूल तो थे नहीं, पर पार्टीशन के टाइम पे हवेली में चोर दरवाजा होना कोई आर्किटेक्चरल कंपल्शन नहीं बल्कि उस वक्त की अहम जरूरत थी. इसका मतलब इस हवेली में भी कोई चोर दरवाजा हो सकता है? यस. कहां? मिस्टर जसबीर, आई एम रियली सॉरी. कल मेरे रहते हुए भी लवलीन के साथ ये सब कुछ हुआ. मैं कुछ नहीं कर पाई, पर मैं आपको यकीन दिलाती हूं इस हवेली में जो भी हो रहा है उसके बारे में हम लोग पता करके रहेंगे. अब बस हौसला रखिए. हौसला रखने की कोशिश ही कर रहा हूं मैं. आप बैठिए, मैं देखती हूँ. इस हवेली के फ्रंट्स और अंदर की पिक्चर्स देखने से यह बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इस हवेली को वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया गया है. इसलिए चोर दरवाजा इसमें आउटर मोस्ट साउथ दिशा में होना चाहिए. सर, ये रही ओल्ड टेनेंट के रिकॉर्ड फाइल. Thank you, Professor. Thanks for your time. Oh, you're most welcome. Better, Rathod. बोलो, कुछ पता चला? पिछला टेनेंट 3 साल पहले ही चला गया. उसके 2 हफ्ते बाद उसकी माँ कोमा में चली गई और उससे कुछ दिनों बाद वो नौकरी छोड़ चला गया. फिर वो कहाँ गया किसे कुछ पता नहीं है. चोरों ने भी इस हवेली में घुसपैठ की थी. कुछ ही दिनों में उनकी सड़ी हुई लाशें मिली. पोस्टमार्टम के हिसाब से इनकी मौत 4 दिन पहले हुई थी और अपेरेंटली वो चोर उस हवेली में 2 हफ्तों से छुपे हुए थे. माफ करना सर जी, एक बात बोलूं, इस हवेली को पक्की हवेली इसलिए बोलते हैं, इसमें आज तक जो भी गया उसका नाम पता नहीं मिला. और आप और नए ऑफिसर इस हवेली से दूर ही चले जाओ. हाँ अदिति बोलो. हेलो अदिति. अदिति, हेलो.
अदिति, तुमने फोन किया था, तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कुछ गिर रहा हो। तुम ठीक हो? विक्रांत, मैंने उस ड्राइंग वाली लड़की को दोबारा देखा। इस बार उसके साथ एक औरत और आदमी थे। मुझे लगता है वो उसकी फैमिली है। तीनों के गले पे निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनका गला काट दिया। उन तीनों ने मुझ पर अटैक भी किया। विक्रांत, मुझे लगता है कि अंगद भी इन आत्माओं के पास ही है। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। मेरी बेदी जी से बात हुई। इस हवेली में एक चोर दरवाजा है, जिसके बारे में जसमीर या कोई और नहीं जानता। ये हवेली की कुछ इस तरफ है, साउथ की दिशा में। इस वक्त हम यहाँ लिविंग रूम में हैं। तो इस मैप के हिसाब से ये तो वेस्ट की तरफ जाएगा। उस तरफ वेस्ट है। आंगन की दाहिनी तरफ आएगा। उस तरफ ये वही जगह है जहां से अंगद गायब हुआ था। और इस मैप के मुताबिक चोर दरवाजा यहां होना चाहिए। जिसने भी इस हवेली में कदम रखा है, दो हफ्ते से ज्यादा नहीं जिया है। रंधावास के दो हफ्ते कल खत्म हो गए, रात को 12 बजे। अगर उससे पहले अंगद नहीं मिला तो शायद फिर कभी ना मिल पाए। सरस्वती, लुक छुप जाना, मकई का दाना, पकड़े गए तो पड़ेगा पछताना। विक्रांत, ये वही पहेली है जो लवलीन गाती है, और उसके पीछे उस औरत की आवाज। मुझे लगता है जिस औरत को मैंने देखा था वो ये सरस्वती है।
और उन तीनों का जो पहनावा मैंने देखा था उससे मुझे लगता है कि ये कहानी 25-30 साल से भी पुरानी है। हमें उस टाइम की हिस्ट्री पता करनी चाहिए। आज़ादी के पहले कोई रिकॉर्ड तो मिले नहीं, पर ये कुछ पुरानी फाइलें मिली थी, उनमें सबसे पुरानी फाइल यही है सर। प्रताप राय जी। ये प्रताप राय से इस हवेली के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये जिंदा है अभी भी? जी नहीं, पर उसकी एक रिश्तेदार है चमकोर, इसी गांव में रहती है। जी बुलाओ उन्हें। जी सर। आपको तकलीफ दी इसके लिए माफी चाहता हूं। तकलीफ नहीं, खुशी हुई बेटा। इतने सालों के बाद कोई तो आया उस हवेली के बारे में पूछताछ करने, उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। वक्त आ गया है वो हवेली उसकी हो जाए जिसकी वो हमेशा से थी। किसकी? सरस्वती की। सरस्वती मेरी सबसे प्यारी सहेली थी, जमींदार की इकलौती लड़की थी, जितनी सुंदर पढ़ने लिखने में भी उतनी अच्छी थी। बच्चों के लिए पहेलियां बनाया करती थी जो आज भी गाई जाती है। प्यार एक साधारण से किसान संतोख से करती थी, जिसका मक्के का खेत उसके घर के पीछे ही था। प्रताप राय एक अमीर आदमी था जो सरस्वती के लिए पागल था, लेकिन सरस्वती ने संतोष से शादी कर ली। पिता के मृत्यु के बाद वो हवेली भी उसकी हो गई। उसी समय पार्टीशन के दंगे शुरू हो गए थे, जहां सरस्वती ने एक अनाथ बच्ची को गोद ले लिया। अब प्रताप राय बड़ा नेता बन गया था। ये वाला। सरस्वती, दो दिन में ये हवेली मेरे नाम कर देना, नहीं तो तेरे और तेरे परिवार के साथ क्या होगा तू सोच भी नहीं सकती। प्रताप वीर जी, जब तक मैं यहाँ पे हूं ना, मेरे परिवार का वाल भी विंगा नहीं हो सकता, तो बेहतरी इसी में है कि आप चुपचाप चले जाए, अपनी नेतागिरी संभालिए। ठीक है भाई, तेरे जाने के बाद ही करते हैं। कुछ नहीं तुम्हें
सिमरत निवास उसके लिए बहुत जरूरी जगह बन गई थी, क्योंकि वो उस समय वहां की सबसे बड़ी हवेली थी। सरस्वती के साथ उसे वो हवेली भी चाहिए थी। सरस्वती के साथ शादी की मांग की और उसे 15 दिन की मोहलत दी, लेकिन सरस्वती ने उसे बेइज्जत करके वहां से भगा दिया। वो डरती नहीं थी उससे, लेकिन निडर लोगों का कब अच्छा हुआ है। उस दिन भी वो बच्ची के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। एक दो तीन, देख सरस मैं आ रही हूँ। हाँ मैं आ रही हूँ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दे हमें, बख्श दे हमें, ब्याह कर ले मेरे से, दोनों को छोड़ दूंगा, नहीं तो तेरी आंखों के सामने दोनों को काट दूंगा। नहीं, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। सुना तूने प्रताप, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। ठीक है, ए काट डालो दोनों को। प्रताप राय ने वो तीनों लाशें वहीं गाड़ दी। वो लाशें अभी तक नहीं मिली। उस दिन के बाद उसकी आत्मा ने वहां किसी को नहीं रहने दिया, प्रताप को भी नहीं, उसे भी मार दिया। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, सरस्वती को वहां रहने दे, वहां ताला लगा दे। अदिति, जसलीन, अदिति, thank you.
दीदी। सरस्वती, मैं जानता हूं तुम मुझे सुन सकती हो। आज मेरी चमकौर से बात हुई है। वक्त आ गया है कि यह हवेली उसके पास चली जाए जो उसकी असली हकदार है। बच्चे को खोने का दर्द तुमसे बेहतर कौन जान सकता है सरस्वती? इसे छोड़ दो और अंगद को अपनी मां के पास जाने दो। उसकी मां को सुकून दो। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि इसके बाद तुम इस हवेली में सुकून से जी पाओगी। आज के बाद इस हवेली में कोई कदम नहीं रखेगा। ठीक हो? हाँ। अंगद, अंगद, अंगद। अदिति, अदिति, 12 बजे नहीं, सिर्फ 5 मिनट है। चलो, उठाओ इसे, चलो, चलो, चलो आगे।